गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रिक्शे पर मोटरसाइकिल लादकर पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि का विरोध जताया। जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी अनवर हुसैन के नेतृत्व में मोटरसाइकिल को रिक्शे पर लादकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक से टाउन हॉल तक रिक्शा चलाकर विरोध जताया। अनवर हुसैन ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले कहा था कि उन्हें पीएम बना दिया जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अनवर ने कहा कि मोदी जी बुरे दिन ही ला दिए हैं, जनता उनकी बहुत आभारी रहेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महासचिव कांग्रेस अनवर हुसैन ने कहा, देखिए प्रधानमंत्री जी जब रैलियों में चुनावी रैलियों में कहते थे कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाइए, 100 दिन के अंदर मैं ऐसा जादू टोना करूंगा कि जितनी भी महंगाई है हर तरह की महंगाई खत्म हो जाएगी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो विश्व बाजार में पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने लगे और उन्होंने कहा भी पब्लिक मंच से कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो रहे हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत कहाँ गई कि पेट्रोल और डीजल के रेट इतने महंगे हो रहे हैं। विश्व बाजार में प्रति बैरल डॉलर पेट्रोल और डीजल के रेट इतने सस्ते चल रहे हैं कि उसके हिसाब से 30 से 32 रुपए लीटर बिकने चाहिए, लेकिन आप 82 रुपए लीटर पेट्रोल का रेट बेच रहे हैं। और आप कहते थे कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए, तो अब आपकी किस्मत अब कहाँ गई। कैसे किसान रो रहे हैं, आम जनता रो रही है डीजल के रेट कम करने के लिए, बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम महंगाई को कम कर लीजिए, जो अपना वायदा आपने निभाए पूरा कर लीजिए, अच्छे दिन को ला दीजिए। अगर अच्छे दिन नहीं ले पाते हैं तो ही बुरे दिन ला दीजिए। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं।